नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ। इस कहानी आपने काफ़ी अपने दादा दादी या नाना नानी से जरूर सुनी होगी ऐसी। तो दोस्तों मैं आज आपको ये सच्ची घटना सरोड़ी गांव की बता रहा हूँ। तो सरोड़ी गांव जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, और होता क्या है दोस्तों कि कहते हैं कि जैसे हमें रात को कई बार क्या होता है, प्यास लगी होती है और हम पानी नहीं पीते हैं, और या भूख लगी होती है तो हम खाना नहीं खाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम क्या होता है कि रात को हम जो चीज़ नहीं खाते हैं, तो होता क्या कि रात को हमारी जो आत्मा है, तो हमारी आत्मा, अब हमने तो पानी नहीं पिया, हमने खाना नहीं खाया, तो जो हमारी आत्मा होती है, तो आत्मा भी हमारी भटकती है रात को, और फिर वो उस चीज़ की तरफ भागती है। उसको हो सकता क्योंकि अब हमने नहीं, तो आत्मा तो उसको पूरी करेगी करेगी। तो होता क्या कि दोस्तों कि एक आदमी को प्यास लगी होती है और वो क्या होता है कि पानी नहीं पीता है, और होता क्या कि रात को वो सो जाता है। रात को सो जाता है तो सो जाने के बाद क्या होता है कि जो उसकी आत्मा है वो पानी पीने के लिए जाती है, और मटका होता है, मटके में पानी पीती है, और जब वो पानी पी रही होती है तो क्या होता है कि घर का एक और शख्स उठता है, उसको प्यास लगती है रात को, और वो पानी पीता है, और वो आत्मा भी उस मटके के अंदर पानी पी रही होती है, और वो क्या करता है पानी पीने के बाद बर्तन को ढक देता है, बर्तन को ढक देता है और वो फिर सो जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, जब वो सुबह होती है तो वो उस आदमी को उठाते हैं, तो देखते हैं कि वो आदमी नहीं उठता है, और फिर वो सारे विलाप करने लग पड़ते हैं कि ये तो ख़त्म हो गया, क्योंकि दोस्तों उसकी आत्मा तो उस मटके में बंद थी। तो अब कोई भी उसके बाद मटके का पानी पीने नहीं गया, और वो मटका जो था ढक्कन से बंद पड़ा था और आत्मा उसके अंदर घुसी पड़ी थी। तो होता क्या है कि सारे वो विलाप करते हैं और सारी तैयारियां होती हैं, और जब तैयारियां त्योरियां कर लेते हैं और वो जनाजे को उठाकर शमशान घाट की तरफ ले चलते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे शमशान जो जनाजा था वो आधे रास्ते पर पहुंचता है, तो घर के एक शख्स को प्यास लगती है और वो शख्स पानी पीने जाता है, और पानी पीने जाता है तो मटके से पानी पीता है, जैसे वो मटके से बर्तन उठाता है वो आत्मा बाहर निकल जाती है और वो सीधा उस आदमी के अपने शरीर में चली जाती है। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही शरीर में आत्मा आ जाती है तो उस आदमी को होश आ जाता है, और वो जब उठता है तो वो चारों तरफ देखता है, उसको आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे कहते हैं ना कि जब चलते तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो ये आवाज़ आ रही हो रही है, तो उसको लगता है कि कोई मुझे उठाकर ले जा रहा है। तो जैसे वो देखता है चारों तरफ तो मुझे बांध रखा है। तो दोस्तों होता क्या है कि वो हिलता है, तो जो जनाजे को लेकर चल रहे होते हैं उनको थोड़ी सी वो महसूस होती है कि कोई हिल रहा है। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही है क्योंकि चल रहे हैं तो हो सकता है हमें ऐसा लग रहा हो, तो जैसे वो हिलने स्टार्ट कर देते हैं तो दोस्तों जो जनाजा लेकर जा रहे थे वो सारे ही, और वो चिल्लाने लग पड़ता है, सारे भाग जाते हैं, और फिर वो किसी न किसी तरह से वो अपना उसको तोड़ता है, जो रस्सियाँ होती हैं डोरियाँ जिनसे बांध रखा होता है, और वो जैसे तोड़ता है तो उसको उनको कहता है कि भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मैं तो जिंदा हूँ। तो सभी लोग कुछ उधर भागते हैं कुछ उधर भागते हैं, और बाकी सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ। तो दोस्तों जब आदमी को हम ले जा रहे थे जनाजे में, कोई आदमी मर गया होता है तो लोग तो उसको भूत ही समझते हैं, ये तो भूत है। अब वो उधर भागे तो लोग उसके वो उधर अपनी जान बचाए, कोई उधर भागे जोर जोर से चिल्लाए, तो होता क्या है कि फिर सभी लोग इकट्ठा होकर खड़े हो जाते हैं, तो उनके पास जाता है कि भाई मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। तो फिर लोग तो पहले विश्वास न करे,
फिर उसके बाद उसने क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि तू जिंदा है तो तू कहाँ था इतने। तो दोस्तों उसने कहा कि मुझे रात को प्यास लगी और मैंने वो पानी नहीं पिया और मैं सो गया, और मेरी आत्मा जो थी वो पानी पीने के लिए गई और वो मटके से पानी पी रही थी। और मटके से जैसे पानी पी रही थी, घर में किसी और को प्यास लगी होगी तो किसी ने मेरे ऊपर बर्तन रख दिया जिससे मेरी आत्मा जो मटके के अंदर रह गई। तो अभी किसी ने पानी पिया तो मटके से मेरी आत्मा निकली और सीधी मेरे शरीर में आई अभी, तो इसलिए मैं अब यहाँ पहुँचा। तो दोस्तों ये एक सच्ची घटना थी जो एक आदमी के साथ घटित हुई थी। तो दोस्तों अगर ये घटना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना कि ये आपको, और साथ में कमेंट भी करना कि ये आपको घटना कैसी लगी। और दोस्तों मैं अब आऊँगा एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।